मैं हूं अहमद सलमान, मैं इस वक्त रामपुर में मौजूद हूं और मेरे साथ अतीक अत्यारी हैं जो एक सोशल एक्टिविस्ट है और साथ ही वकील है। मैं इनसे रामपुर की सियासत, रामपुर का जो उपचुनाव होने वाला है उसको लेके बात करूंगा। तो अतीक साहब, पहला मेरा सवाल ये है कि जो मामले चल रहे हैं आज़म खान के विरुद्ध, जो 80 से ज़्यादा मुकदमे हो चुके हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी मुकदमे हुए हैं ये जो है मोदी उस योगी का और इनका जो आपसी विवाद चल रहा है आज़म खान साहब का, एक राजनीतिक स्टैंड है और ये सब फर्जी मुकदमे हैं। तो आप कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ सरकार का जो चल रहा है यहाँ पे, जो भी जो है मुकदमे कराए गए हैं वो यतीम खाने के लोग हैं और अलियागंज गांव के लोग हैं, साथ ही जो लोग हैं जिन पे आज़म खान ने कुछ ना कुछ उनको परेशान किया, जैसा कि लोगों ने कहा है, हमने बात की है, तो अगर वो लोग मुकदमे करा रहे हैं तो उसमें योगी आदित्यनाथ सरकार का क्या मामला? देखिए, 9-9 साल पुराने, 7-7 साल पुराने, 6 साल पुराने मामले हैं और उस बीच आज़म खान ने अगर वाकई लोगों के साथ में कोई भी जाति की थी तो क्या इन लोगों से आपने ये पूछा कि ये कभी अदालत पहुँचे? अगर इनकी मान लीजिए एसपी ने नहीं सुनी या वहाँ संबंधित थाने में इनकी सुनवाई नहीं हुई तो क्या कभी ऐसा रहा कि इन्होंने 156(3) में कोई परिवाद माननीय न्यायालय में डाला हो? ऐसा नहीं है, ये सब सत्ता पक्ष का दबाव है और ये सब कठपुतलियाँ हैं सत्ता पक्ष की जो आज़म खान के खिलाफ मुकदमे डाले जा रहे हैं और एक ही प्रकरण पर कई कई मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, सब फर्जी हैं। तो क्या लग रहा है कि अब जो है क्या स्थिति होने वाली, क्योंकि अखिलेश यादव अभी आए थे और ये भी जो है कहा जा रहा है कि जिस तरीके अखिलेश यादव जो है आए यहाँ पे, ज़्यादा बात उन्होंने आज़म खान पे नहीं करी अपनी स्पीच में कार्यकर्ताओं से, और साथ ही जो है मुलायम सिंह यादव ने स्टेटमेंट दिया था आज़म खान के लिए कि हम उनके लिए आंदोलन करेंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि समाजवादी पार्टी भी जो है इसमें आगे आ नहीं रही, स्टैंड नहीं ले रही जिस तरीके से स्टैंड लेना चाहिए। देखिए, पार्टी का अंदरूनी मामला, मैं इसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता। आप इस पर कमेंट नहीं करेंगे, मगर दूसरी तरीके से जैसे कहा जा रहा है कि एक मुस्लिम चेहरा है आज़म खान और समाजवादी पार्टी जो है उस तरीके से जो है ट्रीट नहीं कर रही है, उस तरीके से आज़म खान के मामले पे फोकस नहीं कर रही, और कहीं ना कहीं जो है आरोप ये लग रहे हैं कि एसपी भी वही काम कर रही है जो बीजेपी कर रही है। देखिए, ये मैं आपसे फिर कहूँगा, ये इनका अपना आपसी मामला है और मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, वो एक बात अलग है कि मैं किसको पसंद करता हूँ और आज़म खान को अगर मैं पसंद करता हूँ तो किस लिए पसंद करता हूँ। मेरी आज़म खान सियासी लेवल पर पसंद नहीं थे और ना ही मैंने कभी उनको अपना आइडियल माना है आज़म खान को। मैं जो उनकी तारीफ़ करता हूँ या मैं जो उन्हें पसंद करता हूँ वो विकास के नाम पर और जो इन्होंने यूनिवर्सिटी और स्कूल वगैरह बनाए हैं उसके लिए मैं उन्हें आज़म खान साहब को पसंद करता हूँ, बस मेरा इतना ही कहना है उसमें। बाकी पार्टी के लेवल से पार्टी क्या मदद उनकी कर रही है, पार्टी क्या उनके लिए स्टैंड उठा रही है, क्या बात रख रही है, इसका मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब उपचुनाव आने वाला है, 21 तारीख को वोटिंग है यहाँ पर, तो उपचुनाव के बारे में क्या कहेंगे, क्या स्थिति लग रही है, कौन यहाँ पर जीतता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, अभी कांग्रेस और बीएसपी ने ही कैंडिडेट उतारे हैं, यहाँ भाजपा ने और समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन ये बात तय है आज़म खान साहब जिसे भी खड़ा करेंगे, जिस पर भी हाथ रखेंगे, वही प्रत्याशी जीतेगा और अच्छे मार्जिन से जीतेगा यहाँ। मतलब आप कहते हैं आज़म खान जिसे भी जो है यहाँ पे खड़ा करेंगे, साथ ही आज़म खान पे एक आरोप और भी लगता है परिवारवाद का, जिस तरीके से जो है राजनीति में मुलायम सिंह यादव का परिवार या और भी परिवार है, तो आज़म खान जो है हमेशा रामपुर से वो हो गए, उनकी पत्नी राज्यसभा की सांसद हैं, दूसरे बेटे जो है अब्दुल्ला आज़म विधायक हैं, कहा जा रहा है कि अदीब जो उनके बड़े बेटे हैं उनको टिकट दिया जाएगा, तो नहीं लगता है कि किसी और को नए चेहरे को मौका देना चाहिए ना कि परिवार से? देखिए, परिवार जहाँ तक मदद की बात है तो परिवार सिर्फ टिकट दिला सकता है, जिता नहीं सकता, जिताने का काम आवाम का है, वो अपना प्रत्याशी खड़ा करें, आवाम तय करेगी, जो पसंद होगा आवाम को आवाम जिताएगी उसे। तो पार्टी भी तो जो है किसी दूसरे को टिकट देगी तभी तो वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ये पार्टी का, देखिए फिर ये वही मैं बात कहूँगा कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, पार्टी किसको टिकट तय करेगी, लेकिन वर्चस्व की जहाँ बात है रामपुर में शहर के अंदर, तो जीतेगा वही जिसे आज़म खान साहब चाहेंगे, वही जीतेगा, अच्छे मार्जिन से जीतेगा। तो ये थे अतीक अत्तारी साहब जो अपनी बात रख रहे थे रामपुर की सियासत पे, साथ ही इन्होंने जो है रामपुर में जो आज़म खान पे विवाद चल रहा है, जो केसेस है उस पर बात की। आपको क्या लगता है उपचुनाव में कौन यहाँ से जीतने वाला है, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए, साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।